नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल डेली खजाना में। आ गया है यारों का यार होस्ट राहुल भोज। अब आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड 12 बजे तक का 10 बजे तक का सामने आया है वो सचमुच में हैरान कर देने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग कौन जाएगा ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन हाँ, इस वोटिंग ट्रेंड में काफी बदलाव भी हुए हैं। सबसे पहले मैं जो वोटिंग ट्रेंड चल रहा था वो बताऊंगा, फिर उसके बाद अब जो वोटिंग ट्रेंड आ रहा है सामने वो भी बताऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो। आप लोगों ने अगर मेरे नए चैनल राहुल भोज कॉमेडी को नहीं देखा है, कमेंट सेक्शन में लिंक पेस्ट कर दिया है, एक बार जाइए जाके ढेर सारा प्यार बरसा दीजिए, उसे भी सब्सक्राइब करें। अब जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों कि वोटिंग ट्रेंड में इस बार चार लोग फंस गए, अंकिता, अनुराग, नील, ऐश्वर्या। अब जिस हिसाब से मैंने आपको ये बात बोली वैसे ही वोटिंग ट्रेंड सामने आया था। अंकिता नंबर वन पे थी क्योंकि अंकिता की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, बच्चे से लेकर बड़े सब लोग अंकिता को पसंद करते हैं। नंबर टू अनुराग बाबा, अनुराग बाबा की अगर बात करें तो उनकी तो बहुत ज्यादा एनॉर्मस फैन फॉलोइंग है। नंबर थ्री पे नील चल रहे थे और नंबर फोर पे ऐश्वर्या चल रही थी। तो ये तो वोटिंग ट्रेंड सामने आया था जब अभी क्लोजिंग से पहले का है। हाँ, क्योंकि मैं इस हफ्ते आपको वोटिंग ट्रेंड नहीं बता पाया, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द हेक्टिक शेड्यूल व्हिच आई एम बिजी विद। डंकी रिलीज हुई और साथ ही साथ सलार रिलीज हुई, इस वजह से वोटिंग ट्रेंड मेरी ज्यादा गुप्तचरों से बात नहीं हो पा रही थी कि एग्जैक्ट वोटिंग ट्रेंड क्या आ रहे हैं। लेकिन अब जो फाइनल क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड चला है, आपको बता दूं दोस्तों, वैसे तो क्रिसमस का मौका है, मुझे ऐसा लग रहा है पर्टिकुलरली कि सलमान साहब शायद हो सकता है ना निकाले, क्योंकि इस बार चारों जो कंटेस्टेंट हैं वो स्ट्रांग है। और अगर बात की जाए तो अनुराग और अंकिता तो नहीं निकल सकते, जो ऐश्वर्या का डर था कि मैं ही निकलूंगी या फिर नील निकलेगा, तो इसमें बड़ा एक हेर फेर हुआ। हेर फेर इस तरीके से हुआ है कि लास्ट क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड में नील जो है वो सबसे लास्ट में है। जी हाँ, नील सबसे लास्ट में, और उनके जाने के चांसेस बढ़ गए हैं। नील का अपना कोई व्यू पॉइंट नजर नहीं आता, सिर्फ अंकिता 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 या फिर विक्की थोड़ा बहुत, और अगर देखा जाए ऊपर ऊपर तौर पर तो वो जो है ऐश्वर्या के पीछे लगे रहते हैं, और तो कोई नहीं। फिर उसके बाद जो है ऐश्वर्या आती है नंबर थर्ड पे। ऐश्वर्या भी धीरे धीरे खुल कर आने लग गई है, वो अच्छी भी लग रही है इस चक्कर में। तो मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि ऐश्वर्या जब खुल कर निकल कर आ रही है तो हो सकता है कि ऐश्वर्या को ये लोग रखें। नंबर सेकेंड पे अंकिता आ गई। जी हाँ, सोचिए बाबू भैया की फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा तेज चली गई कि उनकी जो है फैन फॉलोइंग जो है वो नंबर वन पर पहुंचा दिया है। और लास्ट मतलब अगर देखा जाए इस तरीके से, तो वैसे तो ये जनरली क्रिसमस के टाइम पे इविक्शन नहीं करते हैं, बट अगर करते हैं तो नील भैया का पत्ता 101% कट होने वाला है। KUTT कट, CUT कट वाला नहीं, KUTT वाला कट कट होने वाला है। और देखना ये होगा कि बाबू भैया का पत्ता बचेगा या फिर ये लोग अपनी चिड़ी के कारण उनको निकाल देंगे, पता नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं।